सारे ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ मैं थोड़ा सारे ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ पूरी खबर बारे दसांगे तुहानू इस वीडियो दे विच इस दे लई साडे नाल बने रहियो वीडियो नू एंड तक जरूर देखियो ते जे तुसी साडे चैनल ते नवें हो तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर करियो ते शुरू करदे आं अज दी वड्डी खबर नाल। हां जी कर्मचारियां अते पेंशनरां लई इक वड्डी खबर सामने आ रही है। सारे हो जो हुण खुश क्योंकि 18 महीनियां दा बकाया डीए दी उडीक जल्दी हो सकदी है खत्म। हाँ जी सूत्रों तो मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय अमला अते सिखलाई विभाग अते खर्चा विभाग के अधिकारियों नाल JCM की मीटिंग होवेगी। मीटिंग दौरान डीए के बकाए की अदायगी बारे चर्चा की जानी है। हाँ जी अजिहियां खबरां भी सामने आ रही हैं कि सरकार मुलाजमान डीए के बकाए वजो 2 लाख रुपए तक दे सकती है। डीए का बकाया कर्मचारियों के पद्धर से निर्भर करता है। थोनू दस दईए कि COVID-19 की महामारी दौरान वित्त मंत्रालय ने 20 मई 2020 तो डीए दे वादे नू 30 जून 2021 तक रोक दिता सी पर जल्द ही केंद्रीय सरकार मुलाजमान दे खाते विच डीए दा बकाया पा सकती है। हाँ जी जिहड़ी साडी अज दी एक खबर सी एक केंद्रीय मुलाजमान नाल संबंधित सी ते सारे केंद्रीय मुलाजम हुण हो जो जल्दी तो जल्दी खुश क्योंकि जल्दी उन्हां दे खाते विच आ सकता है डीए दा बकाया। हाँ जी ये सी साडी अज दी वड्डी अपडेट। जे तुहानू ये अपडेट वधिया लगी होवे वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर करियो ते मुलाजमान नाल संबंधित होर अपडेट्स लई साडे चैनल नू सबसक्राइब जरूर करियो। धन्यवाद जल्दी मिलदे हां एक नवी अपडेट नाल।